CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम गणित का होनहार भारतीय बालक श्रीनिवास रामानुजन। ये कहानी एक ऐसे जीनियस की कहानी है जिसमें गणित के प्रति बेपनाह जुनून था। अंकों में छिपे संदेशों, अर्थों को भांपने की अद्भुत क्षमता थी। उनमें अपार सृजनात्मकता और अंतर्मुखी कल्पना की बेजोड़ योग्यता थी। ये सब उन्हें अंकों की अंतरंग घनिष्ठता से बिल्कुल वैसे ही हासिल हुई जैसे कोई संगीतकार बार बार रियाज करके सुरों और तानों को पक्का करता है, जैसे कोई चित्रकार कैनवस पर भिन्न भिन्न तरह से रंगों को बार बार बदलकर भिन्न भिन्न आकृतियां उतारकर अपनी कलाकृति तैयार करता है। वो अंकों को रंगों की तरह इस्तेमाल किया करते थे। रंग जैसे मुसव्वर के लिए हैं और शब्द शायर के लिए, जैसे गीतकार शब्दों को चुन चुन कर भावनाओं से ओतप्रोत अपनी रचना का ताना बाना बुनता है, वैसे ही वो शायराना शिद्दत से गणित के प्रमेय और सिद्धांत लिखा करते थे। सन 1900 ईस्वी कुंभकोणम में टाउन हाई स्कूल, फार्म 3 का कक्षा कमरा, जो आजकल की 7वीं कक्षा के बराबर है, और ये गणित विषय का पीरियड था। चुप 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 चुप, स्वामी सर आ रहे हैं, सब खड़े हो जाओ। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। हाँ तो बच्चों, आज मैं आपको भागफल के बारे में बताऊंगा। जी। विद्यार्थियों, जब किसी संख्या को उसी संख्या द्वारा भाग दिया जाता है तो उसका भागफल 1 होता है। अब मैं इसी गणित के सिद्धांत को एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। मान लो कि मेरे पास 13 केले हैं और मुझे ये 13 छात्रों में बांटने हैं, तो प्रत्येक को कितने केले मिलेंगे? सर मैं बताऊं। हाँ हाँ स्वामी, तुम बताओ। सर 1। विद्यार्थियों, क्योंकि 13 को अगर 13 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 1 होता है। सारे बच्चे समझ गए ना? जी सर। और एक बार फिर मान लो कि हमारे पास 1000 केले हैं और हमें उन्हें 1000 छात्रों में बांटना है, तो जरा सोच कर बताओ कि प्रत्येक छात्र को कितने केले मिलेंगे? सर मैं बताऊं? हाँ भाई सुब्रमण्यम, तुम ही बताओ। 1 केला। बिल्कुल सही, शाबाश। बैठ जाओ सुब्रमण्यम, बैठ जाओ। तो विद्यार्थियों, हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर किसी भी संख्या को उसी संख्या द्वारा विभाजित करते हैं तो परिणाम हमेशा 1 होता है। समझ में आ गया सभी को? सर आप बार बार कहते हैं मान लो, हजार नहीं तो कुछ केले अपने साथ ले आते, हम सबको भी 1-1 केला खाने को मिल जाता। चुप, ऐसे ख्याली पुलाव पकाने की जरूरत नहीं है। बच्चों, ये नियम हमेशा याद रखना। हाँ लेकिन सर एक बात बताइए, क्या ये नियम 0 पर भी लागू होगा? सर अगर 0 को 0 से भाग देंगे तो भी क्या परिणाम 1 के बराबर होगा?
ये क्या उल जुलूल सवाल है भाई? सर, ये नियम हर जगह और हर समय नहीं लागू किया जा सकता। क्यों नहीं? क्यों नहीं? शून्य को अगर शून्य से विभाजित करते हैं तो एक नहीं होता क्या? मतलब क्या है तुम्हारा? आर यू टेस्टिंग माई नॉलेज इन मैथमेटिक्स? लेकिन सर, शून्य के केले अगर शून्य लोगों में बांटे जाएंगे तो किसी को भी कोई केला नहीं मिलेगा, क्योंकि शून्य एक असीमित संख्या है। इसलिए सर, इसे यानी शून्य को विभाजित नहीं किया जा सकता। बात तो इसकी एकदम ठीक है। सर, ये रामानुजन है। और आपको पता है सर, ये सारे तंजावुर जिले में प्राथमिक परीक्षा में अव्वल आया है। अच्छा भाई, वाह, शाबाश रामानुजन, शाबाश। ये था होनहार मेधावी श्रीनिवास रामानुजन, एक 13 वर्ष का सीधा साधा सा दिखने वाला, सांवला, गरीब सा, बेचारा सा, बड़ी बड़ी जिज्ञासा से चमकती स्वप्ने लाखें। उनका जन्म सन 1887 ईस्वी की 22 दिसंबर को गुरुवार के दिन अपनी नानी के घर एक छोटे से गांव इरोड़े में हुआ। ये गांव तब के मद्रास प्रेसिडेंसी और आज के तमिलनाडु प्रांत के मद्रास शहर के दक्षिण पूर्व 250 मील दूर स्थित है। अपने पूर्वजों की परंपरा जारी रखते हुए उनके गरीब ब्राह्मण पिता के श्रीनिवास आयंगर साड़ी की दुकान में एक मुनीम थे। उनकी माता कोमल तामल पास स्थित सारंगपाणी मंदिर में भजन गाया करती थी। ये मंदिरों और बुनाई करघे का पावन कस्बा दक्षिण की गंगा नदी कावेरी के तट पर स्थित है। मद्रास, जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, तंजावुर जिले से 160 मील दूरी पर स्थित है। पांच वर्षीय रामानुजन ने कंगायन प्राइमरी विद्यालय में दाखिला लिया। वो जब स्कूल जाने लगे तब उनके पिता श्रीनिवास अपने थोड़े से वेतन में बेटे के लिए पुस्तकें नहीं खरीद सकते थे, परंतु रामानुजन को पढ़ाई के लिए बहुत सी पुस्तकों की तो आवश्यकता ही न थी। वो खिलौनों से नहीं, गणित के अंकों से खेलते थे। नवंबर सन 1887 में, जब वे 10 वर्ष के भी नहीं हुए थे, तब उन्होंने अंग्रेजी, तमिल, भूगोल और अंकगणित विषय के साथ प्राइमरी परीक्षा पास कर ली थी और इसी वर्ष उन्होंने टाउन हाई स्कूल में दाखिला ले लिया। ग्यारह वर्षीय चमत्कारी बालक के नाम से जाने जाने वाले रामानुजन ने उन दिनों इंटरमीडिएट कक्षा में पढ़ाई जाने वाली गणित की तीनों शाखाओं, अंक गणित, त्रिकोणमिति और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का अभ्यास समाप्त कर लिया था। फिर उनके हाथ लगी LN लोनी की लिखी त्रिकोणमिति की किताब और मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही इस पुस्तक पर भी उन्होंने महारत हासिल कर ली और स्वयं ही कई नए प्रमेय भी खोज निकाले। जब वो 15 वर्ष के थे और 10वीं में पढ़ रहे थे तो एक मित्र के जरिए स्थानीय कॉलेज के पुस्तकालय से लाया हुआ
उच्च गणित का एक अद्भुत ग्रंथ अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर मैथमेटिक्स उनके हाथ लगा। सन 1886 में छपी इस पुस्तक के लेखक थे जॉर्ज शूब्रिजकार, जिसकी सहायता से रामानुजन में छिपी गणित प्रतिभा और उजागर और प्रफुल्लित हुई। सन 1903 में रामानुजन ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। एस कृष्णस्वामी अय्यर, जो टाउन हाई स्कूल के प्राध्यापक थे, घोषणा करने के लिए मंच पर आए। साथियों, मुझे श्रीनिवास का परिचय देते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। उसने सिर्फ मैट्रिक परीक्षा के गणित विषय में सर्वाधिक अंक हासिल ही नहीं किए, बल्कि वो इस वर्ष के रंगानाथ राव पुरस्कार का भी काबिल हकदार है। अगर मुमकिन होता तो उसे सर्वाधिक अंकों से भी अधिक अंक मिलने चाहिए थे। पूरे 100 अंक भी उसके गणित के ज्ञान का सही सही मूल्यांकन करने के लिए काफी नहीं है। रामानुजन को उनके विद्यालय में उत्तम काम के बलबूते पर कुंभकोणम के सरकारी कॉलेज में आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए 2 साल के लिए जूनियर सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति प्रदान की गई। ये कॉलेज दक्षिण भारत का केम्ब्रिज माना जाता है। उनका लक्ष्य गणित, शरीर क्रियाशास्त्र, ग्रीक और रोमन इतिहास और अंग्रेजी विषयों के साथ फर्स्ट आर्ट्स यानी FA की परीक्षा पास करना था। ये कोर्स इंटरमीडिएट डिग्री के समतुल्य था। इसके जरिए वो मद्रास विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकते थे। रामानुजन का गणित ज्ञान इतना बढ़ा कि उनका दूसरे विषयों पर ध्यान होता ही नहीं था। सन 1906 में FA परीक्षा में असफल रहने के बाद रामानुजन मद्रास चले आए, जहां उन्होंने पच्ची अप्पा कॉलेज में दाखिला ले लिया, पर वहां भी वे फेल हो गए। सन 1908 बीता और 1909 आया। रामानुजन की माता जी ने उनके लिए अपने दूर के रिश्तेदार की भोली भाली मोटी मोटी आंखों वाली गांव की 9 साल की लड़की जानकी को अपने बेटे के लिए दुल्हन चुना और उनका विवाह करा दिया। शादी के तुरंत बाद 9 वर्षीय जानकी को उसकी माता के पास राजेंद्रम नगर भेज दिया गया। अगले 3 वर्ष वे दोनों जुदा जुदा रहे, पर अब 22 वर्षीय तरुण रामानुजन वयस्क जीवन की दहलीज पर थे। भूख और ज्ञान कोरे गणित से गुजारा नहीं हो सकता। गरीबी और गणित के बीच संघर्ष करते रामानुजन को बचाने के लिए प्रोफेसर शेषु अय्यर ने दीवान बहादुर रामचंद्र राव के नाम एक सिफारिशी पत्र लिखकर उसे दिया, जो मद्रास कलकत्ता मार्ग पर मद्रास से 110 मील आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के जिलाधिकारी थे और साथ ही भारतीय गणित सोसाइटी के संस्थापक सदस्य भी थे। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अब हाँ, आइए। शुक्रिया सर, शुक्रिया। नौजवान सर, तुम काफी थके और परेशान नजर आते हो। मैं तुम्हारी क्या और कैसे मदद कर सकता हूं? मैं श्रीनिवास रामानुजन हूं सर। ओह, अच्छा 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 अच्छा। मेरे भतीजे आर कृष्ण राव ने ये बताया था कि तुम बचपन से ही गणित में मेधावी हो। सर, और हैरानी की बात यह है कि फेल होकर तुम कॉलेज छोड़ चुके हो। जी सर। सर, ये पत्र आपके लिए कुंभकोणम के कॉलेज प्रोफेसर शेषु अय्यर जी ने लिखा है। ये लीजिए सर। हाँ,